सबसे पहले भाई ये बताओ, आपको मास्क कितने में खरीदा और कितने कितने लाखों मास्क आपने बेच दिए बाहर? चाइना से तो ऑर्डर आ रहे होंगे 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन मास्क का, कितने आपने बेचे सबसे पहले तो भाई कमेंट में ये बता देना मेरे को। और अब बात करते हैं कि मास्क आपने खरीदा कितने का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का, कितने का खरीदा और कितने का बेचा, ये भी बताना यार कमेंट में, पक्का बताना। हम लोगों को पता है जो ये मास्क अभी बाहर भेजे जा रहे थे चाइना में, ये जो एक्सपोर्ट हो रहे थे बाहर से, ऑर्डर आ रहे थे चाइना से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन का ऑर्डर लोगों के पास, पता नहीं कितने ऑर्डर थे, पता नहीं दुकानदार से लेके, किराने वाली दुकान से लेके हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऊपर अंदर CHO PHO सारे इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट सबके पास ये ऑर्डर आया हुआ था कि भाई मास्क भेज दो, मास्क भेज दो, 2 मिलियन मास्क भेज दो, बैंक में पैसे भेज देते हैं हम, पहले एडवांस करेंगे आप $1 मिलियन को, उसके बाद आप मास्क भेजना। उसके बाद क्या आया भाई, 3 प्लाई चाहिए, 2 प्लाई चाहिए, नॉन वोवन चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, प्रॉपर मास्क वाली मशीन से बनी हुई मास्क चाहिए, पता नहीं कितनी बसूड़ी थी यार मार्केट में इसको लेके। तो वो मास्क जो वो अपने N95 मास्क थे 200-300 रुपये वाले, वो बिके हैं 1200-1200 रुपये के। और जो ये पॉइंट मतलब 80 पैसे 50 पैसे वाले मास्क थे ना, और डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ वाले, वो बिके 15-15, 20-20 रुपये में। मेरे तो कई दोस्त जो इवेंट इवेंट का काम करते थे वो भी इसके पीछे लाजपत रहे चले गए हमारे ऑफिस से लेके, मतलब पता नहीं कोई भी, हर एक ऐसे इंडिया में कोई बंदा नहीं था जिसके पास ये वो नहीं आई हुई क्वेरी कि मेरे को 2 मिलियन मास्क चाहिए या 3 मिलियन मास्क चाहिए। तो ये जो भसूड़ी मची है ये मची क्यों, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं यार। जो कोरोना वायरस आया ना, नोवल कोरोना वायरस विच इज़ नाउ कॉल्ड COVID-19, इसके चक्कर में बहुत मास्क की ज़रूरत पड़ी, इसका तो मजाक नहीं बनाऊंगा मैं, चाइना में बहुत मास्क की ज़रूरत पड़ी है। तो अभी इसको देखते हुए आपको पता ही होगा कि इंडिया में भी केसेस आ गए हैं आज के डेट में करीबन 150 या 55 के अराउंड केसेस हैं इंडिया में, जिसमें 3 या 4 लोगों की डेथ हो गई है इंडिया में। और इंडिया अभी फेज 2, आज का डेट है आपका 19 मार्च 2020, तो आज की डेट में जो इंडिया है वो फेज 2 में है। तो इसको देखते हुए ना अपने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया है कि सबसे पहले तो इसमें हमारे मास्क के ऊपर लगाया है उन्होंने ECA, विच इज़ कॉल्ड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है सबसे पहले थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ मैं आपको। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में पहली बार आया था। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यह एक्ट जो होता है उन कमोडिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है जो कि बहुत ही एसेंशियल है, जैसे कि दाल, चावल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को 1955 में कवर किया गया था। ये करते क्यों है, ये करते हैं जब मार्केट में हाइप चल रही होती है ना किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है, लोग स्टॉक करने लग जाते हैं चीज़ों को, तब ये एक्ट लाया जाता है। और ये एक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई को कंट्रोल करता है लोकल मार्केट में, ECA। ये एक्ट पहली बार आया था 1955 में, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स कवर थे वो थे आपके ड्रग्स, फर्टिलाइजर, पल्सेस, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और जो सेंटर है ना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कभी भी इस एक्ट में कोई भी प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकता है, और जब उसको लगता है कि हाँ भाई ज़रूरत पड़ रही है किसी इस एक्ट में किसी प्रोडक्ट को लाने की, तो वो उस प्रोडक्ट को इस एक्ट के अंडर में ला सकता है, और जब चाहे उस प्रोडक्ट को जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो हटा भी सकता है। तो अभी की बात करते हैं, अभी इस गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स पे ये वाला एक्ट लगाया जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था यार, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता नहीं है कब तक, मतलब कितना कामयाब होने वाला है, बट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेप ले लिया है ECA लगा के मास्क के ऊपर और सैनिटाइजर्स के ऊपर, जो आपको पता चाहिए कि कितनी महंगी बिक रही है इस टाइम पे मार्केट में और कितने ज़्यादा लोग इसको स्टॉक करने लग रहे हैं। गवर्नमेंट ने ECA मास्क और सैनिटाइजर पे मार्च 13 2020 को लगाया है, जो आपका जून 30 तक चलेगा 2020 के। गवर्नमेंट लगा, अभी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे लगाया, गवर्नमेंट लगाया है इस पे सबसे पहले, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट में भसड़ मचा रखी थी, 2-ply 3-ply वाले मास्क पे लगाया है, और N95 पे लगाया है, और आपका हैंड सैनिटाइजर पे लगाया है अभी के लिए, जो कि चलने वाला है आपका 31 जून 2020 तक। तो इससे होगा क्या, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ने देखा यार कि अब अपने लोकल बंदों के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मास्क आगे जाके, हमें पता नहीं कि हमारे इंडिया में ये जो इन्फेक्शन है ये कहाँ तक स्प्रेड होने वाला है, फेज 3 तक जाएंगे, फेज 4 तक भी पहुँचने वाले हैं, हम लोग कुछ नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को देखते हुए ये एक्ट लगा दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लोग एटलीस्ट स्टॉक तो नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, अब लोग स्टॉक नहीं करेंगे ना, तो एक चीज़ और हो रही थी, लोग अपने मनचाहे पैसे इसको रेट में बेच रहे थे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें लीगल मेट्रोलॉजी भी लगा दी। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या कहता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ये कहता है कि जो भी MRP है आप उससे ऊपर नहीं बेच सकते, उससे ऊपर आपको नहीं बेच सकते। इम्पोर्ट में मैंने लीगल मेट्रोलॉजी बहुत लोगों की कराई है, इम्पोर्ट में हम लीगल मेट्रोलॉजी जनरली उसकी कराते हैं जो कि प्री पैक्ड कंज्यूमर गुड्स आते हैं ना बाहर से इम्पोर्ट होकर, डब्बे में पैक हुए, डब्बे में पैक होकर जो आपके कंज्यूमर गुड्स आते हैं बाहर से,
उसको हम जनरली लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर कस्टम लेता है कि आपने भाई इंपोर्ट किया, उसमें MRP मेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल मेंशन होनी चाहिए, सप्लायर का, वेयर हाउस वगैरह, इंपोर्टर का डिटेल, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। मैं इंपोर्ट के केस में कह रहा हूँ, ये लीगल मेट्रोलॉजी मैं उसमें कराता हूँ। और अब लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 3-ply, 2-ply मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और N95 मास्क पे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी लगाया, जिसके अंतर्गत जो मास्क जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगा उसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। तो ECA जनरली करता क्या है, ECA जनरली ये करता है जो अननेसेसरी की प्राइस हाइक होती है ना मार्केट में, उसको कंट्रोल करने के लिए ECA किसी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है जब उसको लगता है कि हाँ भाई ज़रूरत है मार्केट में, और इस टाइम पे तो मास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि कितने लोग मानने वाले और कितने लोग नहीं मानने वाले, और जो लोग नहीं मानने वाले उनके साथ गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उनके साथ गवर्नमेंट ये करने वाली है, गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर मतलब अंतर्गत जो ऑफेंडर होगा उसको 7 साल की सज़ा या फाइन हो सकती है, या दोनों चीज़ें हो सकती है। अब आपको अगर कोई कंप्लेन वगैरह करनी होगी, हाँ भाई आप मास्क लेने जा रहे हो, 15-15 रुपये की बिक्री है मार्केट में, मैं तो सैनिटाइजर कल भी देखे 150 रुपये का, इतना सब बोतल पता नहीं क्या होने वाला है, एक्ट पैक तो लगा दिए, कितनी चीज़ें बिकने वाली कितनी चीज़ें नहीं बिकने वाली, वो तो भाई आगे फ्यूचर ही बताएगा। इनकेस अगर आप देखते हैं तो आप अपने प्रोडक्शन के लिए नंबर लिख सकते हैं, जो कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, वो है आपका 1-800-11-400-000, और उनकी वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in, वहाँ पे जाके भी आप किसी भी इसका ऑफेंडर है जो भी इस एक्ट को नहीं मान रहा है, महंगे में बेच रहा है या स्टॉक कर रहा है, उसकी कंप्लेन आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आपने देखा मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार। थैंक यू सो मच।